to organize a press conference of Jammu and Kashmir Khidmat Center Association. I President Jammu and Kashmir Khidmat Center Association Namni Tahseen Hussain Moglu. जम्मू कश्मीर बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत 2009 में एक एडवर्टाइजमेंट सरेआम लाई. इस एडवर्टाइजमेंट के तहत तकरीबन 1204 खिदमत सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए. चूंकि खिदमत एडवर्टाइजमेंट जेके बैंक ने इतनी पुरकश और दिलचस्प अंदाज में निकाली, जिससे हमें यह महसूस हुआ कि खिदमत सेंटर्स चलाने वाले बहुत जल्द आसमान से छू लेंगे. लेकिन हमें इस बात पर पूरा यकीन था कि जेके बैंक ने बेरोज़गारी ख़त्म करने में अपना नाम कमाया है. हमें भी बैंक से यही उम्मीद वाबस्ता थी कि इस प्रोजेक्ट में आने से खिदमत सेंटर्स की ज़िंदगी में एक नया बदलाव आएगा. मगर बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इस धोखाबाजी के एडवर्टाइजमेंट के जाल में आकर हमारे साथ रोज़गार के नाम पर जेके बैंक ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया, जो कि बिल्कुल इस अजीम और मशहूर इक्तिसादी इदारे के नाम पर एक बदनुमा दाग है. मौजूदा सूरत हाल को मद्दनज़र रखते हुए जो खिदमत सेंटर्स का मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है. Majority of us have crossed the maximum age limit now and are not eligible for any other recruitment process. इन तमाम चीज़ों को मद्दनज़र रखते हुए हमने जो जम्मू कश्मीर बैंक की जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली जो वर्दी चेयरमैन साहब है जेके बैंक के, बार बार मिलने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है. यहाँ पर ये सवाल निशान ये उठता है, जब वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे इस दीरीने मसले को कैसे हल करेंगे. जब हमने इन तमाम हालात को मद्दनज़र रखते हुए हमने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इस प्रोजेक्ट के कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्नर्स आते हैं बैंक में, उनसे बार बार रुजू किया कि हमारे इस मसले का हल निकालें, कोई परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी फ्रेम की जाए, या जो 12 सालों से सर्विसेज के नाम पर अब तक जो वादे किए वो पूरा किया जाए. मगर बैंक कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है. बैंक को हमारी याद तब आती है जब कोई व्हेन दे फील एनी काइंड ऑफ डिजास्टर सिचुएशन एंड दे फील दैट बैंक फेल्स टू प्रोवाइड द कस्टमर सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक. एट दैट टाइम आवर रोल इज फुली एक्नॉलेज्ड बाय द बैंक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड overcoming of this disaster situation. In this context, I want to quote one of the best example here. In recent year pandemic, our khidmat centers worked door to door by providing the banking services at doorsteps to the general public with a very good ease. We risked our lives by working in the red zones because at that time we felt humanity is the first concern for us. Still, humanity is a great concern for us. जब हमने बैंक को बोला या परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी फ्रेम की जाए या सर्विस दी जाए, जो बैंक के डोमेन में भी जो सर्विसेज आती है, रिसेंटली जो बैंक के पास दो रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विसेज आई, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी, जो बैंक ने उस टाइम एक MOU साइन किया था एज सर्विस सेंटर एजेंसी गवर्नमेंट के साथ, उस टाइम that was fully elaborated that all G2C and B2C services will be routed out through khidmat centers. But it is a matter of great unfortunate. There are guidelines, rules and regulations to be followed, but bank has totally violated the terms and conditions of this agreement और अपनी मनमानी के मुताबिक काम कर रहा है. जो उनके हदी अख्तियार में भी सर्विसेज आती है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है. फॉर एग्जांपल, जो दो सर्विस रिसेंटली आई J&K में, आधार एनरोलमेंट सेंटर्स और ई स्टैंपिंग, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है.
इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन जो उस टाइम बैंक ने 2009 में जो एडवर्टाइजमेंट निकाली, दैट वॉज मैंशन एज ए टॉप मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विसेज एंड वॉज स्पेशली प्रोमिस्ड फॉर इट इज रूटिंग थ्रू खदमत सेंटर्स. हमने बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए टू रूट दिस सर्विस थ्रू खदमत सेंटर्स डिस्पाइट फॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑन रिपीटेड बेसिस. दिस सर्विस वॉज ऑल्सो डिनाइड. कीपिंग ऑल दिस व्यू, बैंक को हमारी यह तब आती है जब उनके लिए मुश्किल की घड़ी होती है और इसके बाद बैंक फिर सिर्फ ये जालिमाना पॉलिसी बार बार दोहराता है. इस जालिमाना पॉलिसी का हमारे पास बिल्कुल एक ठोस जवाब है जो हम इंशाल्लाह जेके बैंक को एक सरप्राइज के जरिए बहुत जल्द देंगे. फिलहाल हमने एक इनिशिएटिव लिया, एक ड्राइव हमने स्टार्ट की और जो हमारी पिन पैड और बायोमेट्रिक डिवाइस है जिससे हम जो एक बैंक का सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिसे हम कहते हैं कियोस्क बैंकिंग, ये एक बैंक की तरफ से सॉफ्टवेयर है जिसे हम कस्टमर्स को कैश देते हैं. ये भी सर्विस टोटली आउटडेटेड है जो मैक्सिमम कस्टमर पर्पस है. हम ये हर रोज बैठी होती है जो मैक्सिमम कस्टमर पर्पस होता है इस सॉफ्टवेयर का वो भी फुलफिल नहीं होता है और हमें बार बार कस्टमर रेपुटेशन मार्केट में देखनी पड़ती है. इसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जो हमारे पास डेबिट कार्ड लिमिट्स है वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स ऑफ द बीसीज. उनके पास 25,000 लिमिट है, हमारे पास सिर्फ 10,000 का लिमिट है. जब हम इसके खिलाफ भी जाते हैं बोलते हैं हमारे पास आरबीआई इंस्ट्रक्शंस है. आरबीआई इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, देयर आर ओनली वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक. इफ देयर आर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई इज अ सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी टू ऑल द बैंक्स एट नेशनल लेवल, दे विल नॉट फॉर्मुलेट सेपरेट गाइडलाइंस फॉर द जम्मू एंड कश्मीर बैंक. सो वी अपील टू वर्दी चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक to address our genuine concerns within no time. We will give a time of 7 to 10 days to look upon our genuine issues. Failing in that, iske baad jo hum step lenge, this time we have decided to rise upon against the cruelty of the Jammu and Kashmir Bank. This should end at now any cost. Iske baad jo results aayenge, khas तौर से जो वर्दी चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक है वो ज़्यादा उन रिजल्ट्स के जिम्मेदार होंगे. थैंक यू वेरी मच.